हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरुष ऑटोमोटिव और मैं कुंतल आज फिर एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ आपके सामने। तो ये जो ई रिक्शो है, आप देख सकते हैं इसका चार्जिंग का प्रॉब्लम है। चार्जर गाड़ी से कनेक्ट करने के बाद जो बीच में लाइट जलता है वो जल रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर लगा दिया। और चलिए इसके बाद जो है इसका एसी कनेक्शन दे के देखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो उसे कैसे ठीक करते हैं, ये भी हम लोग आज सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसको, इसका मेन पावर मतलब एसी देने के बाद जो है लाइट यहाँ पे बीप मार रहा है, मगर ये एलईडी लाइट है इसलिए डिस्प्ले में लाइट दबदबा रहा है। मतलब इसका लाइट जो है फिक्स ही है। तो पहले हम ले लेंगे एक मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर से जो है गाड़ी का जो 48 वोल्ट का आउटपुट होता है, पहले हम वो गाड़ी का 48 वोल्ट आउटपुट मापेंगे कि उसमें करंट मतलब बैटरी का जो टर्मिनल लगा रहता है, चार्जर जहाँ लगाते हैं उसमें 48 वोल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले हम चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें जो है वोल्टेज आ रहा है, 48 वोल्ट आ रहा है। मतलब जो है ये कंट्रोलर से जो 48 का वायर आता है वो ठीक है, पर इसका चार्जर जो है, चार्जर का में कुछ प्रॉब्लम है। तो चार्जर हम पहले माप लेंगे मल्टीमीटर से। आप देख सकते हैं इसकी अभी जो करंट लगाने के बाद मतलब एसी देने के बाद तीनों लाइट जलता है, ऐसे जल गया। तो अभी इससे आउटपुट कितना निकल रहा है हम वो चेक करेंगे। तो देखिए कि इसमें से आउटपुट कितना निकलता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से आउटपुट निकल रहा है 32 मतलब जो है मिनिमम 48 आउटपुट होने से, चार्जर का जो आउटपुट होता है वो मिनिमम 48 dB निकलने के बाद ही आपका जो चारों बैटरी है वो सब चार्ज होगा, मगर इसमें से निकल रहा है 32, मतलब जो है इसमें इस चार्जर में कुछ प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हैं अगर आपके पास ऐसा मल्टीमीटर नहीं है तो आप चार्जर को कैसे चेक कर सकते हैं वो भी आज मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये जो मेरा वीडियो है कोई मैकेनिक के लिए नहीं है, ये वीडियो मैं बनाती हूँ सिर्फ और सिर्फ ई रिक्शो का ओनर और ड्राइवर लोगों के लिए, ताकि वो अपना खुद का ई रिक्शो खुद रिपेयर कर सके। तो देख सकते हैं जो इसका जब जो वोल्टेज बढ़ाने का मतलब एम्पियर बढ़ाने का रोटर है, रोटर घुमाने से वोल्टेज जो है दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं 57 तक आ गया था, मगर ये जो वोल्टेज आउटपुट है वो फिक्स नहीं खड़ा रहता। देख सकते हैं 42 भी हुआ था। तो इसका मतलब जो है इसका चार्जर का ये जो रोटर होता है वो ख़राब है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कि बिना मल्टीमीटर से आप चार्जर को कैसे चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक वायर हमने निकाल ली, एक पतला वाला वायर, और उन दोनों को हम शॉर्ट कर रहे हैं। अगर आपके ई रिक्शो सॉरी चार्जर में 48 वोल्ट निकल रहा है तो वो जो वायर मैंने शॉर्ट किया वहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब फायरिंग होके वो वायर तब तुरंत जल जाएगा। उसके मतलब जो है आपका चार्जर ठीक है, मगर यहाँ पे शॉर्ट करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो आगे जो है इसका चार्जर का जो रोटर है वो हम चेंज कर देंगे और ये चार्जर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना।